नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो स्पेशल रहेगी इमिग्रेशन क्वेश्चन को लेके। कई लोग पूछते हैं कि एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, कई तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। सो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो इसमें मेनली जो विजिटर आता है उसके बारे में एंड मुझे क्या पूछा था वो, प्लस जो स्टडी पे आते हैं उनके लिए क्या क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे। सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग या वीज़ा इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बहुत सी वीडियोस चैनल पे जो है बैक टू बैक आती है। सो आप तक जो डिटेल है वो सारी पहुँचती रहे, इसके लिए चैनल को भी सपोर्ट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। तो आज हम सिटी में ही बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट पीछे पास में ही है, तो पार्लियामेंट के पास ही बैठे हुए हैं जो मेलबर्न की पार्लियामेंट है। एंड क्वेश्चंस की अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो नॉर्मली इंडिया से तो आपको पता ही है कि इंडिया में इमिग्रेशन में क्या पूछना है। सिंपल पूछना उन्होंने कि क्यों जा रहे हो, कोई भी स्टेट है, आप स्टडी पे जा रहे हो तो आपने बता देना स्टडी पे। वो आपसे वीज़ा मांग सकते हैं कि वीज़ा की कॉपी दिखा दो, कई बार नहीं भी मांगते। एंड जो भी आप चाहे विजिटर पे हो चाहे स्टडी पे हो, ज़्यादा बड़ा इशू वहाँ पे नहीं आता। तो इंडिया पे तो इमिग्रेशन का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, वो आराम से क्लियर हो जाती है। फिर आप जब प्लेन में आते हो तो लैंड करने से आधा पौना घंटा पहले आपको एक क्वेश्चनरी देते हैं, वो जिसपे जो इनबाउंड डेक्लरेशन फॉर्म बोल देते हैं उसको। सो वो वगैरह आपने फिल करना है कि उसमें मेडिसिन ला रहे कि नहीं ला रहे, उसके आप में कोई सीड वगैरह तो नहीं ला रहे, शूज़ वगैरह पानी में ना यूज़ किए हो, तो ऐसी चीज़ें उसमें भरनी है आपने। उसके बाद मेन सीधा आपको, क्योंकि जैसे आप यहाँ लैंड करोगे डायरेक्ट आपका जो रास्ता होगा वो आपको इमिग्रेशन काउंटर की तरफ ही लेके जाएगा, बैगेज कलेक्शन बाद में आएगी। सो वहाँ पे इमिग्रेशन का काउंटर लगे होते हैं, ग्लास लगा होगा होगा एंड लाइन लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा यहाँ इमिग्रेशन हो रही है। सो फिर वहाँ पे वो क्वेश्चनिंग करते हैं। तो अगर आप मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया, कैन आई हैव योर पासपोर्ट प्लीज़, जस्ट वन क्वेश्चन। तो क्योंकि जो डिक्लेरेशन फॉर्म था उसके हिसाब से क्वेश्चनिंग बढ़ती है। अगर आपके पास मेडिसिन है वो पूछेंगे मेडिसिन किस चीज़ की है, इसके साथ में प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लाए हो, एंड अगर आपके पास कुछ शूज़ वगैरह के हैं कि वो पानी वगैरह में यूज़ हुए हैं तो वो चेक करते हैं, बाद में बैगेज भी खुलवा सकते हैं कि इसमें मिट्टी वगैरह तो नहीं ज़्यादा लगी हुई। तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मुझे पता था। एंड फिर मुझे कुछ नहीं पूछा, सिंपल पासपोर्ट मांगा, डिटेल देखी एंड उसके बाद वहाँ पे टिक कर देते हैं आपके डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर, ग्रीन सिग्नल डाल दिया कि जाओ बैगेज कलेक्ट करो और बाहर निकलो। लेकिन जो आसपास में थे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे, कुछ से क्वेश्चन जो मेरे आगे भी क्यू में होंगे उनके भी दो चार क्वेश्चन मैंने सुने, उस पर रीज़न पूछते हैं वाई आर यू हेयर, एंड वहाँ पे आपने बता देना अगर आप स्टडी के लिए आए हो तो आई एम हेयर टू स्टडी, या आप वोकेशन पर आए हो तो वो पूछ सकते हैं कि आप अकेले हो कि आपके साथ में भी कोई है। तो अगर कोई नहीं है साथ पे तो कोई चक्कर नहीं, अगर साथ में है तो वो ग्रुप की इकट्ठी इमिग्रेशन हो जाती है, मान लो दो तीन लोग गए हैं, स्टूडेंट में नहीं होता क्योंकि वो तो अकेले अकेले ही होंगे। एंड स्टडी है तो वो पूछते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेज वगैरह उसके बारे में, कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चनिंग नहीं होती यहाँ पे मैं बता दूँ। लेकिन यस, बेसिक आपको पता हो आपके कौन सा कॉलेज है या यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्यों आए हो आप, एंड क्योंकि डिक्लेरेशन फॉर्म में आप पहले भर ही देते हो कहाँ रहना है, कंटेक्ट वगैरह सारा कुछ, तो उसके बारे में नहीं पूछते। विजिटर वाले में भी अगर देखो, इस पे कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर आपको इंग्लिश, देखो स्टूडेंट हो तो अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे आज के बैंड ले लिए, तो भी आपको आएगी दिक्कत। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप चला लोगे काम, क्योंकि सबसे पहला यहाँ इमिग्रेशन में क्या ना, आपको थोड़ा लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज समझने में थोड़ी सी दिक्कत आपको स्टार्टिंग में आएगी। अगर आप ध्यान से सुनोगे या उनको आप कह सकते हो पार्डन, मतलब कि सॉरी कह दो, तो वो दोबारा से रिपीट कर देंगे, बट इतने कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चनिंग नहीं होती। सो सिंपल आपका आने का पर्पस, विजिटर वालों को पूछ लेते हैं हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे हेयर, तो उस पर वो पूछ सकते हैं, और अगर कोई यंगस्टर है उसको पूछ सकते हैं कि आपने स्टडी वगैरह तो नहीं करनी, क्योंकि डाउट के हिसाब से ही उनकी क्वेश्चनिंग होती है। नहीं तो कोई ज़्यादा डाउट नहीं है तो कुछ नहीं पूछते, जैसे मुझे लिटरली कुछ भी नहीं पूछा। एंड जब स्टडी स्टूडी है तो वहाँ पे क्वेश्चनिंग थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो हो जाती है। सो और भी क्वेश्चनिंग इतनी ज़्यादा टफ मुझे नहीं लगी जितना हम सोचते हैं ना वहाँ पे, कि बहुत टफ इमिग्रेशन होनी है, पता नहीं कितने क्वेश्चन वो पूछेंगे, क्या क्या पूछते रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको मेडिसिन वगैरह कम कैरी करो, कुछ भी सीड वगैरह मत लाओ,
तो कुछ ज़्यादा इशू नहीं है क्वेश्चनिंग का। हाँ, अगर ले आए आप सीड तो बिल्कुल नहीं ना आने, दालें सब्जियां लाते, दालें वगैरह नहीं लेके आने, कुछ सीड सीड कुछ भी नहीं है प्लांट के, कोई सीड नहीं लाने कि वहाँ जाके सब्जियाँ उगाएंगे, ऐसा मत करना क्योंकि वो बैन है यहाँ पे। मेडिसिन भी जो है नॉर्मल आप ला सकते हो बुखार वगैरह की वो, लेकिन यहाँ से भी मिल जाती है। तो अगर आप स्मूथ इमिग्रेशन चाहते हैं तो मैं लास्ट में टिप्स देता हूँ आपको, कोई सीड कैरी नहीं करना, कोई मिट्टी में गंदे हुए शूज़ नहीं लेके आने, एंड सीड हो गया, शूज़ वगैरह हो गए, वुड वगैरह की चीज़ें कुछ नहीं लाना आपने, एंड हो सके तो स्वीट्स वगैरह भी मत कैरी करो क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी वो देखते हैं वो चीज़ें, तो डेयरी प्रोडक्ट मत कैरी करो। कुछ भी जैसे होता है ये दो चार चीज़ें जो मेन है वो मत कैरी करो, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि शूज़ होंगे गंदे तो वो चेक कर सकते हैं, एंड सीट वगैरह होंगे कहीं कोई बंदा ले आता होता है साथ में तो वो भी फिर आपको प्रॉब्लम कर सकता है। नहीं तो आप थोड़ा सा नेट पे भी सर्च कर लो, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाके कि कौन कौन सी चीज़ें अलाउ नहीं हैं, तो अगर वैसी कोई चीज़ नहीं ला रहे तो कुछ ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। इवन कि जो पेरेंट्स वगैरह आते हैं उनको अगर इंग्लिश भी ज़्यादा नहीं आती तो भी कोई इतना मुझे लगा नहीं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी समझने में, लेकिन अगर थोड़ा समझा के भेज दोगे तो कोई दिक्कत उनको नहीं आने वाली। तो इमिग्रेशन कोई ज़्यादा टफ यहाँ का नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा टफ था, बाकी हर किसी का एक्सपीरियंस है, कोई विजिटर पे आएगा एजुकेशन के डॉक्यूमेंट ले आएगा चेक हो जाएंगे तो उसका तो कोई क्या कर सकता है, अदरवाइज सिंपल है, अभी कुछ ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आ रही। और भी ऐसी जो वीडियो है आपको इस चैनल पे बैक टू बैक आती है, आप चैनल को मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब कर लें, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एवरीवन।